राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रशासन जुट गया है। खास बात यह है कि देश भर में हर साल स्वच्छ भारत को लेकर इंदौर अव्वल नंबर पर रहा है, तो वहीं अब दूसरी तरफ प्रशासन ने पिंक सिटी कही जाने वाली जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए कमर कस दी है, जिसके लिए नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू कर दिया। हेरिटेज निगम के मेयर मुनीष गुर्जर अपने लाभ लश्कर के साथ जयपुर को नंबर वन बनाने में जुट गई है। शहर को साफ रखने के लिए 20 अतिरिक्त हूपर सफाई वाहन के साथ हेल्पर भी लगाए जाएंगे, जो जिले की साफ सफाई के लिए दिन रात प्रयासरत रहेंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जयपुर जयपुर से ही हमारे सीएम और डिप्टी सीएम है, विशेष फोकस रहेगा जयपुर पे, और जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न भी है, उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी सफाई है, और नगर निगम का कार्य भी सफाई का है, नगर निगम की पहचान भी सफाई से ही है। उसी के साथ हमने कदम से कदम मिलाने का काम किया है सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। पहले भी मैं सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए काम कर रही थी। नाइट स्वीपिंग हमारी हमेशा से होती है, क्योंकि वॉल सिटी क्या है कि पूरा ट्रैफिक रहता है, सारी शॉप्स खुली, मार्केट खुले रहते हैं, तो इसलिए दिन में इतनी हो नहीं पाती है, तो नाइट स्वीपिंग पर होती है। उसी के संदर्भ में हमने हमारी रोड स्वीपिंग, क्योंकि मशीनरी का उपयोग किया है हमने, हमारे पास वैक्यूम वाली नई मशीनें हैं जिनसे सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया है। राजस्थान की राजधानी में जैसे ही बीजेपी ने सत्ता काबिज की है, तो वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन को तेज गति देने के लिए नगर निगम हेरिटेज भी इन दिनों मशक्कत करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा को तेज गति में जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं इंदौर की तर्ज पर अब गुलाबी शहर जयपुर भी सफाई में नंबर वन आने के लिए जद्दोजहद करता हुआ साथ ही कमर कस ली है। एक दिन पूर्व ही मेयर हेरिटेज ने सफाई अभियान को तेज गति देते हुए अभियान की शुरुआत की है। वहीं अब रात की 11 बजे इंदौर की तर्ज पर जयपुर की तमाम बड़ी सड़कें सफाई अभियान में जुड़ती हुई नजर आएगी। वहीं 20 बड़े हुपर वाहन सफाई वाहन के साथ साथ कई कार्मिक भी सफाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सफाई में पूरे हिंदुस्तान में इंदौर नंबर वन और अव्वल आता रहा है, लेकिन इस बार अव्वल आने के लिए जयपुर नगर निगम पूरी तैयारियों में जुट गया है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जयपुर नगर निगम को इस पूरी सफाई अभियान में या फिर अव्वल आने में कितनी सफलता मिल पाती है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।